हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम UER2 पैकेज 3 की आज अपडेट देंगे हम आपको ड्रोन शॉट और कुछ ग्राउंड कोड से। नांगलोई नजरगढ़ रोड से स्टार्ट करके जो यहां से जहां पर मैं खड़ा हूं द्वारका एक्सप्रेस से स्टार्ट होता है, यहां तक आज आपको अपडेट देने वाला हूं पूरी ड्रोन शॉट और ग्राउंड कोड से। करते हैं वीडियो की शुरुआत बिगर किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ नांगलोई नजफगढ़ रोड से लेके द्वारका सेक्टर 24 तक का, 10 किलोमीटर तक का रहने वाला ये अपडेट। सामने आप जो देख पा रहे ये पैकेज 2 है और इस नाले से इस साइड में पैकेज 3 पड़ता है UER2 का। और मैं आज यहीं से अपडेट देने वाला हूँ आपको द्वारका एक्सप्रेसवे तक अपडेट रहेगा पूरा ये पैकेज 3 का। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे दोस्तों, यहाँ पर अभी पिलर कैप का काम किया जा रहा है और आगे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। पिलर कैप का काम रह गया है तो एक दूसरे से पिलर कनेक्ट करने का काम रह गया है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे यहाँ पर जो है क्रेन मशीन मट्टी भर रही है, वो अर्थवर्क के काम में ली जाएगी। जो सामने अपना फ्लाईओवर स्टार्ट होगा यहाँ से एलिवेटेड सेक्शन वहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है पिलर कैप का। और राइट एंड लेफ्ट एंड साइड पे आप देख पा रहे होगे ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रहने वाला है जो UER2 पैकेज 3 का है। ये उसमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रहने वाला है। ये सर्विस रोड है दोनों साइड में आपके, आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे। और जैसे हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे आप देखेंगे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देखिए हम आगे चले जा रहे हैं और आगे आपको दिखाते हैं जो एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट का, वो आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के। देखिए जो एंट्री पॉइंट रहने वाला है, जैसे नजफगढ़ साइड से आप आते हैं तो एंट्री पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और जो एग्ज़िट पॉइंट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट वाला है जो ये एंट्री पॉइंट है और येल्लो वाला एग्ज़िट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों अब आप देख पा रहे होगे दोनों सर्विस रोड पे और UER2 पे सब जगह जो है लेन मार्किंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रैफिक का मूवमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। जो थोड़े बहुत एरिया के लोग हैं, जैसे लांगली नजफगढ़ के लोग हैं, वो इस सर्विस रोड का भी उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अभी ये हाईवे पे जो अपना UER2 मेन है उस पर नहीं गए हैं। और जहाँ तक बात करी जाए साइन बोर्ड की, वो भी लगा दिए गए हैं यहाँ पर। काम का प्रोग्रेस बताएं 95% काम कंप्लीट हो चुका है। साइन बोर्ड देखिए एयरपोर्ट 23/12 द्वारका और 25 गुड़गांव पूरी तरीके से साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। और आगे चल के आपको एग्ज़िट पॉइंट एंट्री पॉइंट सब दिखने वाले हैं और कौन सा एरिया है सब दिखने वाले हैं। मतलब 90% काम कंप्लीट हो गया 95%, और जहाँ तक नज़र जाए पूरा पूरा लाइन का काम कर लिया गया दोस्तों। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ और आगे आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट से कुछ ज़्यादा ही नज़ारे दोस्तों। दोस्तों अगर आप नहीं जानते UER2 क्या है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये एक बहुत ही शानदार और सुनहरा UER2 अर्बन एक्सटेंशन 2 बनाया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे और आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप अलीपुर साइड से, करनाल बाईपास से या बुराड़ी साइड से अगर आप जाते हैं IGI एयरपोर्ट या गुड़गांव, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है ये UER2 अर्बन एक्सटेंशन 2। और जहाँ तक बात की जाए काम की, वो भी काम बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है NH44 और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो है द्वारका सेक्टर 24, वहाँ पर ये एंड करेगा और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से स्टार्ट होगा और जो जाता है गुड़गांव वहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट है। अगर आप IGI जाते हैं तो आप NH44 से एंटर करेंगे और सीधे सीधे द्वारका एक्सप्रेस चढ़ते हुए अपना IGI पहुँच जाएंगे। आपका समय और फ्यूल दोनों बचाने वाला है। जहाँ तक बात की जाए टोल की, तो इस पर MCD टोल बनने वाला है। अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो इस पर कोई भी आपका टोल नहीं है। अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है
तो इस पर दो जगह टोल बनाए जाएंगे, एक NH 44 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरा नांगलोई नजफगढ़ के पास। और जो आप अभी देख पा रहे हैं ये नजफगढ़ जाने वाला इंटरचेंज है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले ही चेंज करना पड़ेगा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर काम की, काम आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है पूरी की तरी पूरी, और अब रास्ते भी खोल दिए गए, अगर किसी को जाना हो तो निकल सकता है। मैं भी इसी रोड पे आया हूँ बाइक से, क्योंकि कार मेरे पास है नहीं, और जहाँ तक हो सका मैं आपको ड्रोन शॉट से पूरी तरीके से दिखाऊँगा। और एक भव्य नज़ारा दिख रहा है जो इस एरिए में बनने लायक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये जो UER2 बनाया गया है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना मेट्रो क्वार्टर के बीचों में से निकाला गया है दोस्तों। अभी आप नज़ारा देखेंगे सामने, यहाँ पर नीचे सर्विस रोड नहीं रहने वाली, क्योंकि ये जो है क्वार्टरों के बीचों में से निकाला गया है अपना UER2। देखिए आप राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हो जो मेट्रो के जो क्वार्टर है उनके बीचों में से निकाला गया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सबवे फ्लाईओवर इसमें कितने बन रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लगभग इस प्रोजेक्ट में 27 फ्लाईओवर और 26 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। और जहां तक बात की जाए सबवे की, तो 17 सबवे बनाए जा रहे हैं दोस्तों इस UER2 में। और काम का जो प्रतिशत है वो मैं आपको बताता हूँ, पैकेज वन का जो काम का प्रतिशत है वो 55% काम कर लिया गया कंप्लीट। और पैकेज टू का बताऊँ तो मैं पैकेज टू का काम कम से कम लगभग एस्टीमेट जो है वो 45% तक कंप्लीट कर लिया गया है। और पैकेज थ्री की बात की जाए जहाँ तक, वो 90 से 95% तक काम कम्प्लीट हो गया है। और जहाँ तक बात की जाए पैकेज फोर की, वो 70% तक काम कंप्लीट हो गया है। और पैकेज पाँच की बात की जाए वो भी 70% तक काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और हम जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है ये झील है, ये अभी लेटेस्ट बनके अभी तैयार हुई है। और यहाँ पर अभी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आसपास पर रोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको पब्लिक नहीं दिख रही होगी। ये पर अभी काम किया जा रहा है और जल्द ही यहाँ पर लोगों का आना सिलसिला चालू होगा। और आप देख पा रहे होगे जहाँ पर सर्विस रोड बनाई जा रही है वहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन नहीं है, तो अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर सर्विस रोड बनाई जाएगी। आप स्क्रीन पर देखेंगे और जो साइन बोर्ड का काम है तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइन बोर्ड का और लेन मार्किंग का काम ऑलमोस्ट पूरी हाईवे पर कम्प्लीट कर लिया गया है। पूरे जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है इस पर पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। पैकेज थ्री में आप देखेंगे यहाँ पर एग्ज़िट पॉइंट भी बनाया गया है और एंट्री पॉइंट भी बनाया गया है दोस्तों। मैं लेके चलता हूँ आगे की तरफ और आगे दिखाने वाला हूँ आपको जो एग्ज़िट पॉइंट और एंट्री पॉइंट और लेन मार्किंग का काम उधर कितना कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये दिखाया गया, देखिए IGI के लिए सीधा, द्वारका के लिए सीधा और श्याम विहार। दोस्तों हर एक रोड की बात अलग होती है, लेकिन UER2 एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि ये एक थर्ड रिंग रोड बनने वाला है। और इतिहास इसलिए रचने वाला है क्योंकि जैसे कि आप अगर IGI एयरपोर्ट या गुड़गांव जाते हैं तो आप पंजाबी बाग होते हुए, धोलाकुआ होते हुए ही जाते हैं और फिर आप सीधे NHI वाले रोड को पकड़ लेते हैं, IGI की तरफ या गुड़गांव की तरफ निकलते हैं। लेकिन अब अगर आपको सीधे गुड़गांव या IGI जाना है तो आप NHI से लेफ़्ट लेंगे सीधे और अर्बन एक्सटेंशन रोड को पकड़ते हुए सीधे नॉन स्टॉप निकलेंगे सीधा का सीधा गुड़गांव IGI एयरपोर्ट की तरफ, जो आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे में मर्ज हो रहा है। जो IGI एयरपोर्ट है वो बगल में ही पड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के और सामने पड़ता है अपना गुड़गांव पूरा। तो ये एक इतिहास रचने वाला है, दिल्ली का थर्ड रिंग रोड बनने वाला है दोस्तों। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे कितना शानदार नज़ारा लग रहा है अपना, UER2 बनके तैयार हो चुका है, लाइनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है यहाँ पर।
दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, UER2 में जो पैकेज 3 है इसमें एलिवेटेड जितना सेक्शन रहने वाला है इसमें जो है सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी। वो सर्विस रोड इसलिए नहीं बनाई जाएगी क्योंकि आपने देखा होगा जो UER2 है वो मेट्रो के क्वार्टर के बीचों में से, झील से, ऐसी जगहों से निकल के आया, वहाँ पर सर्विस रोड बनाना इम्पॉसिबल था, इसलिए सर्विस रोड नहीं बनाई गई। लेकिन अब आप देख पा रहे होगे ये जो एरिया है जहाँ पर आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है और यहाँ पर पॉसिबल था। और अब आप देखिए कितना शानदार नज़ारा बिल्कुल लग रहा है UER2 का। अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जो अपने साइन बोर्ड हैं उनको, और आप देखिए कितना भव्य नज़ारा लग रहा है। ये एक तरीके का इतिहास रचने वाला है दोस्तों, UER2 दिल्ली का थर्ड रिंग रोड रहने वाला है। और जितना हो सके मैं आपको आगे तक दिखाने वाला हूँ। 95% काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। देखिए आप कहीं भी कोई भी एम्प्लॉय काम करता नहीं दिखाई दे रहा है इस हाईवे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, ये लेन इसकी है, ये लेन कार है, ये लेन बस लेन है, सब कुछ स्पीड लिमिट भी, स्पीड लिमिट के बोर्ड लगा दिए गए हैं इस UER2 पर। और लेन देखिए आप, लेनिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ और आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कि इंटरचेंज है दोस्तों, जो ये इंटरचेंज है दोस्तों ये ताजपुर खुर्ज का एरिया है, यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है जो अंडरपास भी है। और आप देखेंगे सामने का नज़ारा कितना भव्य नज़ारा लग रहा है। UER2 पैकेज 3 का एरिया है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से काम यहाँ पर। अब मैं आपको जो है ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आगे जो है वो ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आगे IGA एयरपोर्ट का एरिया आ जाता है इसलिए ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। और अगर हम ऐसा उल्लंघन करते हैं, ड्रोन फिर भी उड़ाते हैं, तो 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल है, जिसके कारण मैं तो ये करना चाहूँगा नहीं। तो आपको ड्रोन से नहीं, अब ग्राउंड रिपोर्ट से अपडेट दूँगा पूरा। जहाँ तक जो है अपना द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट है वहाँ तक आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट से अपडेट दूंगा। ये देखिए ये एग्जिट पॉइंट है, आप देख पा रहे होगे द्वारका सेक्टर 19 और 24 के लिए एग्जिट पॉइंट लेफ्ट में बनाया गया है अपना। देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट से आप देख पा रहे होगे पीछे का नज़ारा और आगे का, यहाँ ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ थोड़ा बहुत ट्रैफिक का मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कई जगह से जगह खुल गई हैं, लोग बाग ट्रायल करके देख रहे हैं कैसा लग रहा है नज़ारा चल के। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए वो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और वीडियो बनाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें मोटिवेशन प्लीज़ मोटिवेट कर दीजिएगा, जो हम आगे भी और भी वीडियो देते रहें आपको दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
दोस्तों यहाँ पर एंड होता है UER2 पैकेज 3 का, और यहाँ से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे जो IJ एयरपोर्ट और गुड़गांव को कनेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर फ्लाइट उड़ाई जा रही है, यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।